हेलो, कैसे हैं आप लोग? सही, ठीक है होंगे। चलिए, आज एक नया बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं हुए हैं। ये क्वेश्चन है, BSc फाइनल ईयर का क्वेश्चन है, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट की बात बोले तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हर साल एक क्वेश्चन, एक साल के बाद एक साल पूछता ही है। कोई भी यूनिवर्सिटी में हो, कोई भी यूनिवर्सिटी में हो, जैसे आप जो हम जो अभी जो एक्सप्लेन करने वाले हैं, अब जो आए हुए हैं कुछ यूनिवर्सिटी का, तो उसका भी हम लिस्ट लिखे लिखे हुए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन जो है कि डिस्कस द इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा ऑफ टाइटेनियम हेक्सा एक्वा आयंस जो दिया हुआ है, इसका इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा का बारे में पूरा पूरी इंफॉर्मेशन के बारे में हम लोग जानेंगे आज। ये जो स्पेशलिस्ट जो है, ये जो कुछ बच्चे कमेंट में क्वेश्चन दिया हुआ है, जो रांची यूनिवर्सिटी में आए हुए हैं 2018, 2016, 2014 से 2010 में क्वेश्चन आए हुए हैं। मतलब मैक्सिमम मानेंगे कि एक साल के बाद क्वेश्चन आने का पूरा ही चांस है, एक साल के बाद, एक साल इस पूरा ही चांस है। चलिए, तो इसको समझते, इतना इंपॉर्टेंस जो इसको बनाया गया है, कोई भी यूनिवर्सिटी जैसे रांची यूनिवर्सिटी, इतना इसको बनाया गया कि इसके क्वेश्चन को किसी भी लैंग्वेज से, किसी की लैंग्वेज के माध्यम से पूछता ही है। चलिए, तो इसको देखते हैं। जो इलेक्ट्रॉन स्पेक्ट्रा टाइटेनियम हेक्सा एक्वा आयंस जो दिया हुआ है, ये जो इसका जो इलेक्ट्रॉन स्पेक्ट्रा के बारे में फुल्ली इंफॉर्मेशन जानेंगे, तो जो दिया हुआ है, चलिए इसको पहले स्टडी करते हैं कि इलेक्ट्रॉन स्पेक्ट्रा ऑफ टाइटेनियम हेक्सा आयंस के बारे में। तो पहले समझते हैं, पहले क्या समझते हैं कि इसमें से जो ये सेंट्रल मेटल क्या है, ये जो दिया हुआ है, इसका सेंट्रल मेटल क्या है, ये ऑक्सीडेशन नंबर क्या, पहले इसको ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं। ठीक है, जो दिया हुआ है टाइटेनियम हेक्सा ट्रिप्लस आयन, ट्रिपल सेंस, इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं। ऑक्सीडेशन नंबर आप लोग को निकालना आते हैं? चलिए, हम नहीं तो हम निकाल कर दिखा देते हैं। ऑक्सीडेशन नंबर से टाइटेनियम, टाइटेनियम से इसको एक्स डिनोटेड कर, टाइटेनियम का ऑक्सीडेशन नंबर, अब ऑक्सीडेशन नंबर क्या हुआ टाइटेनियम का, एक्स इसको लेड मानते हैं, एक्स लेड मानते हैं, एक्वाड क्या है, ये हम लोग का न्यूट्रल्स लिखे हैं, जिसके पास चार्ज नहीं होता है, इंटू सिक्स इक्वल टू थर्ड दिया हुआ है, इक्वल टू थर्ड थ्री चार्ज दिया हुआ है, तो जो टाइटेनियम एक्स इक्वल क्या फाइनली एक्स इक्वल टू थ्री, जो ऑक्सीडेशन नंबर आया है किसका, टाइटेनियम का प्लस थ्री, इसका प्लस थ्री ऑक्सीडेशन नंबर आया है। ठीक है, अब सेंट्रल, अब कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ टाइटेनियम, अब कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ टाइटेनियम, ठीक है, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ टाइटेनियम, टाइटेनियम कोऑर्डिनेशन नंबर क्या, तो कोऑर्डिनेशन नंबर पता चलते हैं, जो लिगेंड अटैच रहता है, जो मॉलिक्यूल अटैच रहता है किसके साथ, सेंट्रल मेटल के साथ जो भी लिगेंड अटैच रहता है, तो कितना ये अटैच रहता है उसी से हमको कोऑर्डिनेशन नंबर निकलते हैं। तो यहाँ पे जो है एक्वा जो दिया, हाइड्रोजन जो दे, वाटर जो दिया हुआ, कितना से ये अटैच है, सिक्स लिगेंड से अटैच है, तो हम लोग सिक्स लिख सकते हैं, सिक्स है तो इसको ऑक्ट्राहाइड्रल, ऑक्टाहाइड्रल इसका जियोमेट्रिक होता है। ठीक है, जो दिया हुआ है जो सेंट्रल मेटल ऑफ टाइटेनियम्स जो एटल्स है, सिक्स नंबर ऑफ लिगेंड से एटल्स है, जिसके बाद सिक्स नंबर ऑफ लिगेंड प्रेजेंट होते, कोई भी सेंट्रल मेटल एटम से अगर सिक्स नंबर ऑफ लिगेंड से एटल्स रहता है, तो उसको कोऑर्डिनेशन, उसका जियोमेट्रिक क्या होता है, उसका जियोमेट्रिक ऑक्टाहाइड्रल होता है, जियोमेट्रिक ऑक्टा, अगर फोर रहता तो स्क्वायर प्लेनर होगा या स्क्वायर प्लेनर होता, लेकिन यहाँ पे जो सिक्स है तो ऑक्टाहाइड्रल होगा। तो कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ टाइटेनियम्स कितना है, सिक्स है उसका कोऑर्डिनेशन नंबर। अब कोऑर्डिनेशन नंबर निकल गया, अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन इसको करते हैं, टाइटेनियम का जो इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन है, तो इसका एटॉमिक नंबर 22 है, तो निकलते हैं आर्गन, आर्गन 18 तक जनरली करते हैं, उसके बाद 4s2 3d1, क्योंकि 22 3d2 3d, ठीक है 3d2। अब यहां से जो टाइटेनियम आयंस है, यहां से 3 प्लस हम लोग निकल जाएगा, यहां से 3 प्लस आयंस, क्योंकि ऑक्सीजन नंबर 3 है, तो यहां से हम लोग 3 आयंस निकाल लेंगे, 3 इलेक्ट्रॉन निकाल लेंगे, कहाँ से, जो इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन है, यहाँ से 3 इलेक्ट्रॉन निकाल लेंगे, तो 4s2 3d1,
3D1, तो टाइटेनियम 3+ जो है, टाइटेनियम 3+ में हम लोग 3D1 सिस्टम आया। कौन सा सिस्टम आया है? 3D1 सिस्टम आया। तो 3D1 सिस्टम से अब यहाँ से हम लोग को सवाल आता है कि 3D सिस्टम से अब कैसे बनाएंगे। अब चलिए देखते हैं। तो जो 3D सिस्टम है तो हम लोग जानते हैं, जो जो डी है, डी और बैटल्स जो है, डी के पास 5 गो और बैटल्स होता है। डी के पास कितना? 5 गो और बैटल्स होता है, 1 2 3 4 5, 5 गो और बैटल्स वर्जन होता है। तो D1 सिस्टम है, D1 सिस्टम। तो हम लोग क्वांटम से जानते हैं कि जिसका वैल्यू जो है, एंगुलर मोमेंटम का जो वैल्यू है, एंगुलर मोमेंटम जो है, ये तो +1 +2, यहाँ पर +1 +2, ये क्वांटम नंबर के थ्योरी से ये हम लोग पता चलता है। चलिए तो क्वांटम आप लोग स्टडी करना बढ़िया से। तो डी का जो इलेक्ट्रॉन भरने का जो है, इसका फोर्सेस इस तरह का है, जो उसको 5 और बैटल्स वैकेंट रहता है। तो वहाँ से 1 इलेक्ट्रॉन D1 सिस्टम में 1 इलेक्ट्रॉन हम फिल किए, 1 इलेक्ट्रॉन फिल किया। अब बात आता है कि यहाँ से अब स्टार्ट करते इसको। अब यहाँ तो हमको नॉर्मली करना है D1 सिस्टम तक, जो भी सिस्टम है उस सिस्टम को हम नॉर्मली करना है। उसके बाद में जो जो इस प्रोसेस से बनाना है, एक पॉइंट से पॉइंट देके हम समझने की कोशिश करते हैं, ताकि एक मिक्सर से बना देंगे तो आप लोग को समझ में नहीं आएगा। तो इसको एक पॉइंट पॉइंट से हम उसको समझते हैं। तो अब D1 सिस्टम में 1 इलेक्ट्रॉन फिल किए। अब यहाँ से बात आता है कि अब पॉइंट समझते हैं। पहला पॉइंट समझते हैं। अब s इक्वल टू, जानते हैं s इक्वल क्या? हम लोग जानते हैं s इक्वल स्पिन क्वांटम नंबर। तो स्पिन क्वांटम नंबर जो है वो +1/2 एंड -1/2 होता है। कोई भी ऑर्बिट्स में जब इलेक्ट्रॉन भरते हैं, एक क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज से फिल करते हैं। तो यहाँ पे क्या है, क्लॉकवाइज से है, तो इसको n/2 लिख सकते हैं, जो है n/2 एंड इक्वल टू जो स्पिन होगा, ठीक है, n/2। तो यहाँ पे क्या, हम लोग पॉजिटिव एंड यहाँ पे कितना है, एन अनपेयर इलेक्ट्रॉन 1/2। तो हम लोग का एस निकल गया, एस क्या निकल गया, पहला पॉइंट ये है, ठीक है, एस 1/2। अब यहाँ से निकलते स्पिन मल्टीप्लिसिटी, स्पिन मल्टीप्लिसिटी निकालते हैं दूसरा पॉइंट में, स्पिन मल्टीप्लिसिटी का फॉर्मूला आता है। हम लोग जानते हैं स्पिन मल्टीप्लिसिटी का जो फॉर्मूला है तो हम लोग जानते हैं 2s प्लस वन या n+1, दोनों में से किसी भी फॉर्मूला का यूज कर सकते हैं। यहाँ से हम लोग का स्पिन मल्टीप्लिसिटी निकल जाएगा। कैसे निकलेगा, जैसे मान के चलिए दोनों फॉर्मूला को हम लोग अगर देखते हैं, जैसे 2s+1 टू गुना एस का वैल्यू कितना लगेगा, 1/2 इक्वल टू 1, 2 कैंसिल, फाइनली रिजल्ट 2। तो यहाँ पे भी नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन कितना है, नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन 1, ठीक है, यहाँ पे अगर करते हैं नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन 1+1 इक्वल टू 2, मतलब दोनों में से फाइनली जो रिजल्ट है 2 है। तो हम दोनों में से कोई भी फॉर्मूला को यूज कर सकते हैं स्पिन मल्टीप्लिकेशन निकालने के लिए। इनमें से जो भी दोनों फॉर्मूला से एक फॉर्मूला को यूज कर सकते हैं, ये दूसरा स्टेप है। अब तीसरा स्टेप में बात करते हैं टर्म से, तीसरा स्टेप में, चलिए दूसरा ही तीसरा स्टेप, ठीक है। अब तीसरा स्टेप में क्या निकालना है, अब एल का वैल्यू कैसे निकालते हैं, एल इक्वल टू वैल्यू निकालने के लिए जो अभी है, तो यहाँ पे देखिए 2 × 1 इक्वल टू 2 होगा। क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव जो है एल का वैल्यू पॉजिटिव में, इस बॉक्स का जो क्वांटम नंबर जो हम पढ़ते हैं, तो यहाँ पे जो उसका इस बॉक्स का जो वैल्यू है 2 है, 1 इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पे इसलिए इसका जो एल का वैल्यू 2 हुआ, ठीक है। अब एल का वैल्यू जब हुआ तो हम लोग को पता था टार्प सिंबल। अब बात इसके बाद आएगा टार्प सिंबल, टार्प सिंबल कैसे निकलते हैं। चलिए चौथा पॉइंट है, इससे एक एक पॉइंट दे के एक्सप्लेन करना है, ताकि जो एग्जामिनेशन कॉपी जाँचेगा तो उसको भी समझ में आना चाहिए कि ये बहुत ही अपने ही कंसेप्ट बनाया हुआ है। अपने बुक में बहुत सारा थ्योरी, इतना बड़ा थ्योरी दिया हुआ है कि आपको लिखना 4-5 पेज रह जाएगा, लेकिन उतना आप लोग लिखना नहीं, बस डायरेक्टली उसका जो कॉन्सेप्ट है उस कॉन्सेप्ट को लिखना है। तो इसका जो है अब फोर स्टेप में क्या होगा, 2D होगा। अब टार्म सिंबल कहा जाता है, TRM टर्म सिंबल, ठीक है, टर्म सिंबल क्या होगा, 2D। अब बात आता है डी कहाँ से आया, ये डी जो वैल्यू आता है ये डिपेंड करता है एल के वैल्यू पे।
ये जो डिपेंड करता है एल के वैल्यू, एल के वैल्यू जितना होगा उसी के हिसाब से यहाँ का चेंज होता है। जैसे मान के चलिए एल का वैल्यू यहाँ से नोट में लिखते हैं, नोट में लिखना नोट में, अगर एल का वैल्यू ठीक है, एल का वैल्यू 1 2 3 4 5 इस तरह से एल का वैल्यू अगर बढ़ता है तो जो स्पेक्ट्र जो स्पेक्ट्रोस्कोपी जो होगा स्पेक्ट्रोस्कोपी तो इसका जो होगा एस पी डी एफ उसका जो टाम सिंबल का जो वैल्यू इसको स्पेक्ट्रोस्कोपी सिंबल कहा जाता है स्पेक्ट्रोस्कोपी सिंबल ठीक इसको स्पेक्ट्रोस्कोपी सिंबल कहा जाता है जो है ठीक है। एल का वैल्यू डिपेंड करता है, एल का वैल्यू जैसे जैसे बढ़ेगा उसी के हिसाब से हम लोग का स्पेक्ट्रोस्कोपी जो सिंबल है वो भी चेंज होते रहेगा, उसका वेरी करते रहेगा। तो उसका जो अब डी आया जो टर्म सिंबल क्या टू डी टर्म सिंबल क्या टू डी आया। अब इसके बाद समझते हैं कि जो डी ऑर्बिटल्स हैं, डी ऑर्बिटल्स हम लोग जानते हैं क्रिस्टल पे स्प्लिटिंग एनर्जी जो स्प्लिट करता है, क्रिस्टल पे स्प्लिटिंग एनर्जी में डी ऑर्बिटल स्प्लिट करता है किसके कारण करता है, क्योंकि प्रेजेंस ऑफ आरपी इलेक्ट्रॉन किसी भी डी ऑर्बिटल में अगर प्रेजेंस ऑफ आरपी हो गया तो वो क्या करता है वो स्प्लिट कर जाता है, वो स्प्लिटिंग करता है ट्रांजिशन हो जाता है। चलिए देखते हैं, तो इसलिए जो डी ऑर्बिटल्स है हम लोग जानते हैं जो डी ऑर्बिटल्स है ठीक है, डी में 5 बॉक्स रहता है 1 2 3 4 1 2 3 4 5 बॉक्स रहता है किसमें डी ऑर्बिटल्स में। लेकिन यहाँ पे जो है अनपेयर इलेक्ट्रॉन है हम लोग को डी वन सिस्टम में, तो यहाँ से क्या होगा स्प्लिटिंग हो जाता है, डी ऑर्बिटल स्प्लिटिंग हो जाता है। स्प्लिटिंग जो होता है ये दो टाइप से स्प्लिटिंग होता है, हम लोग क्रिस्टल पे स्प्लिटिंग में स्टडी किया है, दो तरह से स्प्लिटिंग हो जाता है। कैसे क्या क्या स्प्लिटिंग हो जाता है, एक टी टू जी और ई जी में स्प्लिट हो जाता है, क्या टी टू जी और ई जी में स्प्लिट हो जाता है, जिसको इसको टी टू जी कहा जाता है और इसको ई जी में स्प्लिट हो जाता है। इसका नाम भी लिख सकते हैं, इसका जो नाम अलग अलग जो नाम है इसको नाम लिखते हैं डी एक्स वाई डी वाई जेड जी डी एच डी एच स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डी जेड स्क्वायर ठीक है। ये जो है ये तीनों हायर एनर्जी में, ये दो स्प्लिट ऊपर, ये जो तीनों है ये नीचे की एनर्जी में नीचे की स्प्लिट हो जाता है और दो जो है हायर में स्प्लिट हो जाता है जो डी एक्स वाई डी वाई जेड डी जेड एक्स। अब यहाँ जो है डी एस स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डी जेड स्क्वायर जो डी ऑर्बिटल स्प्लिट हो जाता है दो भाग में, एक टी टू जी और जी में, और यहाँ से इलेक्ट्रॉन फील्ड करते हैं। और इस जो सेंटर यहाँ पे जो है इसको हम लोग वेरी सेंटर के नाम से जाना जाता है, इसको वेरी सेंट्रल, इसको वेरी सेंटर कहा जाता है। अब यहाँ से ठीक है इसको बेरी सेंटर कहा जाता है, यहाँ से जो हम लोग का स्प्लिटिंग होगा ठीक है, यहाँ से जो हम लोग का स्प्लिटिंग होगा क्या ये जो इलेक्ट्रॉन है यहाँ से जो हम लोग का स्प्लिटिंग होगा तो किस तरह से स्प्लिटिंग होगा, तो यहाँ जो है इसका जो ऑर्बिटल्स है ठीक है इसका जो ऑर्बिटल स्प्लिट हो जाए डी डी ट्रांजिशन हो जाता है, जिसको कहा जाए डी डी ट्रांजिशन ट्रांजिशन यू वी के प्रेजेंट में यू वी जानते यू वी ठीक है इसमें विजिबल रे ठीक है एस बी फ्रीक्वेंसी में ट्रांजिशन हो जाता है। अरे यहाँ का जो इलेक्ट्रॉन है ठीक है ये जो टाइटेनियम क्या टाइटेनियम थ्री प्लस आयंस ठीक टाइटेनियम थ्री प्लस आयन डी वन सिस्टम आया है तो यहाँ का जो वन इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड हो जाता है, मतलब ट्रांजिशन हो जाता है और कहाँ पे आ जाता है उसका नेक्स्ट वाला जो है वहाँ जंप कर जाता है ये टी टू जी वही है ये जो है स्प्लिट हो मतलब ट्रांजिशन हो गया यहाँ का इलेक्ट्रॉन और ट्रांजिशन हो गया। तब जो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन करेंगे ठीक है चलिए जब इसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन करेंगे तो कैसे कैसे होगा, जैसे जो इलेक्ट्रॉन है किसका कॉन्फिगरेशन ठीक है टी टू जी में 1 इलेक्ट्रॉन लेकिन इजी में 0 इलेक्ट्रॉन टी टू जी ये क्या हम लोग टी टू जी अरे इजी है चलिए ठीक से लिखते हैं ये इजी है तो टी टू जी में क्या है 1 इलेक्ट्रॉन है लेकिन इजी में इलेक्ट्रॉन नहीं है मतलब वो खाली है। तो यहाँ से जो हम लोग डी डी ट्रांजिशन करते हैं ठीक है स्प्लिटिंग करते हैं एच बी के प्रेजेंट में एच बी जब देते हैं हीट जब करते हैं तो क्या होता है ना
ये टी टू जी खाली हो जाता है, ये खाली हो जाता है और यहां से इलेक्ट्रॉन जम करके कहां चल जाता है, सॉरी जी वन में। इस तरह से इलेक्ट्रॉन स्प्लिटिंग करता है डी वन सिस्टम में। तो ये जो है ये डी डी ट्रांजिशन यहां तक बनाना है, एक एक तक समझ में आ गया होगा, ठीक है, जो समझ में आए होंगे आप लोग सभी को। तो इस तरह से बना है पहले, तो यहां तक समझ में आया होगा। इसके बाद ये जो कितना स्टेप हुआ, स्टेप वन स्टेप टू स्टेप थ्री स्टेप फोर, इतना तो बनाना ही है, और भी तीन चार स्टेप है उसको एक्सप्लेन करते हैं। तो चलिए आप लोग लिख लो जो है बोर्ड में, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और इसको आप लोग बहुत बढ़िया समझो। अब नेक्स्ट देखते हैं कि आ जाएगा, ठीक है, बोर्ड में आने का तो चाहिए। अब स्टेप नंबर फाइव, स्टेप नंबर फाइव में क्या करना, ऑर्गल डायग्राम। एक साइंटिस्ट था, एक साइंटिस्ट ने एक ऑर्गल डायग्राम जो जो ट्रांजिशन स्पीड है ना हुआ ना डी, वो जो साइंटिस्ट था वो ऑर्गल डायग्राम को भी दिखाना पड़ेगा यहाँ पे। तो ऑर्गल डायग्राम क्या होता है ना, तो ऑर्गल डायग्राम को हम लोग समझते हैं, पहले समझते हैं। तो सब लिख लो, इसमें तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए, फिर नेक्स्ट में इसको मिटाने के बाद हम ऑर्गल डायग्राम को स्टार्ट करते हैं। तो और एक बार फिर अगेन हम रिपीट करते हैं, स्पीडली रिपीट करते हैं। जैसे टाइटेनियम हेक्सा एक्वा आयंस दिया हुआ है, पहले उसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ टाइटेनियम प्लस थ्री आया हुआ है, ठीक है, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ टाइटेनियम, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ टाइटेनियम कितना होगा, सिक्स है। तो ऑक्टाइडल जो ये जो स्प्लिटिंग है हम लोग इससे डिनोट किया, जो ऑक्टाइडल आया है वैल्यू, तो इससे हम लोग ऑक्टाइडल स्प्लिट किया ना, हम लोग को पता कैसे चलता है कि हम टेट्राइडल करेंगे या ऑक्टाइडल में स्प्लिटिंग करेंगे। तो यहाँ से जो एटच लिगेंड, जो लिगेंड है कोई भी सेंट्रल मेटल एटम के साथ जो लिगेंड एटच है, सिक्स नंबर ऑफ लिगेंड से एटच है, तो सिक्स नंबर ऑफ नंबर से अटच तो ऑक्टाइडल उसको कहा जाता है, जो ऑक्टाइडल है तो ऑक्टाइडल हुआ, ठीक है। अब इसको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, ठीक है, जिसको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, ठीक है, किसको, जो सेंट्रल मेटल है तो उसका टाइटेनियम का 22 होता है, ठीक है, आर्गन 18 तक, ठीक है, ये नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, यहाँ तक नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन हुआ, तो 4s2 3d1। अब यहाँ से टाइटेनियम 3+ आयन निकालते हैं, 3+ आयन निकालते तो इसका d1 सिस्टम आया। d1 सिस्टम को हम पहले क्या किया, डी ऑर्बिटल्स में इसको फिल किया, जिसको लिख सकते हैं, ठीक है, डी एक्स वाई डी वाई जेड डी जेड एक्स डी एक्स वाई, इसको माइनस जेड इसको डी जेड इसका, ठीक है, इस तरह का डी ऑर्बिटल्स का नाम दिया जाता है। तो उसको बीच का 0, -1, -2, +1, +2 दिए हैं। अब यहाँ से स्टेप वन में, स्टेप वन, ठीक है, स्टेप टू, स्टेप वन में क्या निकालना है, स्पिन निकालना है, स्पिन कौन सा है, 1/2, जिसको क्लॉकवाइज कहा जाता है, ठीक है, स्पिन मल्टीप्लिसिटी, स्पिन मल्टीप्लिसिटी का 2s+1 फॉर्मूला या n+1, दोनों फॉर्मूला का यूज कर सकते हैं, जो भी आपको मर्जी है आप कर सकते हैं, इसमें जो फाइनल रिजल्ट जो आएगा उसका रिजल्ट इक्वली आएगा। तो उसका मल्टीप्लिसिटी निकल गया। अब स्टेप थ्री में, स्टेप थ्री स्टेप फोर में l जो वैल्यू है, जो हम लोग को और किसी भी वन बॉक्स में जो भी उसका वैल्यू होता है वो उसके इलेक्ट्रॉन के साथ मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आ गया 2। और l जो है, l का वैल्यू डिपेंड करता है स्पेक्ट्रा को भी, 1, 2, 3, 4, जितना जितना l का वैल्यू बढ़ेगा हम लोग का जो स्पेक्ट्रा को भी सिंबल भी चेंज होता रहेगा। जैसे 1 के लिए स्पीड, सॉरी यहाँ पर गलती हुआ थोड़ा, ठीक है, यहाँ जो है यहाँ पे गलती हुआ, जो L का वैल्यू है ना, L 0, 1, 2, 3, 4, तो स्पेक्ट्रा को बोल क्या 0, S P T F G, ठीक, इस तरह S P D F G, इस तरह का हम लोग का स्पेक्ट्रा का भी सिंबल होता है। तो L का वैल्यू जो निकला है, L का वैल्यू टू निकला है, इसलिए इसका जो है हम लोग जो स्पेक्ट्रा का नाम लिया है, क्या लिया, D2, ये तो बड़ा में दिखाना पड़ता है, SPDFG, ठीक है, तो L का वैल्यू 2 है, इसलिए स्पेक्ट्रा का भी सिंबल क्या, 2D, यहाँ पे जो 2 लिखते हैं ना, तो S जो है ये स्पिन मल्टीप्लिसिटी को लिखते हैं, n+1 +
जो भी एस्पेक्ट को भी टर्म होगा, एस प्लस वन का ही वैल्यू है यहाँ पर जो है, एस्पेक्ट वन का वैल्यू है, नहीं ये जो एल का वैल्यू आया हुआ है, ठीक है, एल का वैल्यू टू। अब जो टू डी, टू डी जो आया हुआ है यहाँ पे, टू डी जो आया हुआ है, तो वहाँ पे जो हम लोग को स्पिन मल्टीप्लिसिटी टू एन प्लस वन, एन प्लस वन का जो वैल्यू है वहाँ उसको बैठेंगे और उसके नीचे में स्पेक्ट्रम का जो सिंबल, तो हम लोग टू डी आया, ठीक है। ये जो काम करेगा ना, ये हम लोग ऑर्गन डाइग्राम में इसको यूज करेंगे, ऑर्गन डाइग्राम में। तो ये तो समझ में आया। अब टी वन शीट का हम ट्रांजिशन करते हैं, जैसे क्रिस्टल वेलोसिटी में ट्रांजिशन करते हैं, वो आप लोग को प्रॉपर कॉन्सेप्ट पता है। अगर कॉन्सेप्ट नहीं है क्रिस्टल वेलोसिटी एनालिसिस का, तो आप लोग कमेंट कीजिए, हम उसको अलग से वीडियो बनाएंगे। तो चलिए, इस तरह का उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ गया है। इसके बाद स्टेप फाइव में समझते हैं। तो चलिए, इसके लिए पहले बोर्ड को मिटा देते हैं, उसके बाद नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। चलिए, स्टेप नंबर फाइव तक समझ में समझे थे। अब स्टेप सिक्स, ठीक है, सिक्स को समझते हैं। फाइव तक ही होगा, तो स्टेप नंबर क्या, फाइव ही होगा, ठीक है। फाइव तक समझते हैं, फाइव समझ लिए। अब स्टार्ट का जो ऑर्गल डायग्राम, जो ऑर्गल डायग्राम, इसके बाद समझना ऑर्गल, ऑर्गल ऑर्गल डायग्राम जो है, ऑर्गल डायग्राम को समझते हैं पहले। जो ऑर्गल डायग्राम है ना, ये डिपेंड करता है सिस्टम पे, अलग अलग सिस्टम में अलग अलग ऑर्गल डायग्राम होता है। तो कौन से सिस्टम में बनाना है ऑर्गल डायग्राम, इन्हें वन डी वन सिस्टम में, डी वन सिस्टम में सेम इसका कॉन्सेप्ट वही है। तो डी वन सिस्टम में क्या, यहाँ पे ग्राफ लेते हैं, ठीक है, एनर्जी एंड फ्रीक्वेंसी के बीच में, एनर्जी और फ्रीक्वेंसी इंक्रीजिंग क्रिस्टल स्प्लिटिंग एनर्जी, ठीक है, इंक्रीजिंग क्रिस्टल पिन डेक्यू, क्रिस्टल डी क्यू मतलब क्रिस्टल पिन स्प्लिटिंग एनर्जी, जो स्प्लिट करता है ना, स्प्लिट करता है तो उसी की एनर्जी है। तो एनर्जी और इंक्रीजिंग डी क्यू के बीच में एक ग्राफ खींचते हैं, एक बनाते हैं। तो यहाँ पे क्या आया था हम लोग को, टू डी बीच में आया था, टू डी आया था ना, टर्म सिंबल में टू डी आया था, हम बोले उसका यूज करेंगे। तो यहाँ से मतलब दिखाते हैं, ये जो है इसको बेरी सेंटर, बेरी सेंट्रल कहा जाता है, और ये जो स्प्लिट होता है, ठीक है, स्प्लिट हो जाता है ऑक्टाहेड्रल में, टी टू जी और ई जी, दो तरह में स्प्लिट हो जाता है। तो इसको हम नमन क्लास से जानते हैं, और यहाँ से जो इसका वैल्यू आता है, ठीक है, -0.4 डेल ओ, ठीक है। अगर यूनिट अगर चेंज कर देते हैं, मान के चलिए अगर यूनिट चेंज करना है, तो -4 डी क्यू लिख सकते हैं, इसको भी इस तरह से लिख सकते हैं, इसको भी इस तरह से लिख सकता है, जो भी है इसको पॉजिटिव 0.6 डेल ओ, डोलो मतलब ऑक्टा डेल, डेलो जो है ना ये ऑक्टा डेल है। तो उसके बाद यूनिट अगर चेंज करते हैं तो पॉजिटिव 6 डी क्यू, इस तरह से इसको लिख सकते हैं। स्प्लिटिंग जो ऑक्टा डेल स्प्लिट करता है, सेम उसी तरह का ही स्प्लिटिंग करता है, करवाता है। तो इस तरह का इसका ऑर्गल डायग्राम हुआ, स्टेप नंबर फाइव, स्टेप, ठीक है, स्टेप फाइव है। तो ऑर्गल डायग्राम, उसके बाद और एक नेक्स्ट आता है जो इसके बाद में, तो ऑर्गल डायग्राम समझ में आएगा। सम क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग को ही दिखाना है इस तरह के एनर्जी के ग्राफ में, और कुछ नहीं। अब यूवी एक आता है, यूवी रीजन में इसको दिखाना है, यूवी रीजन में किस तरह से दिखाता है, जो भी इसका वैल्यू है, ठीक है, हमको लग रहा है इस 7 होगा, इस 6 स्टेप होगा, ठीक है। आप यूवी रीजन में जो दिखाते हैं, ठीक है, ये यूवी रीजन में जो इसको भी एक फ्री, एक किसके किसके भी ग्राफ लेते हैं, एक फ्रीक्वेंसी के बीच में, एक फ्रीक्वेंसी एंड जो है मोलर एब्जॉर्प्शन, क्या है, मोलर जो एब्जॉर्प्शन, मोलर एब्जॉर्प्शन इसके बीच में लेते हैं। इसका जो वैल्यू होता है ना, इसका जो रेंज, जो हम लोग यूवी रीजन हम लोग जानते हैं, यूवी रीजन जो हम लोग का नज़र में, जो हम लोग देखते हैं हम एटमोस्फेरिक में, जो भी कुछ देखते हैं, तो उसी को यूवी रीजन कहा जाता है। तो यूवी रीजन में हम लोग किस तरह से देखते हैं इसको, तो इसका जो ग्राफ होता है,
ठीक है, इस तरह का इसका ग्राफ, इसका ग्राफ इस तरह से, इसका ग्राफ को हम लोग सॉरी दिखा सकते हैं। इसका जो वैल्यू का रेंज होगा कहाँ से, 10,000 से, 10,000 से, मतलब यहाँ से इसका जो वैल्यू होगा 3,000 वैल्यू हुआ। ठीक है, इसके बीच में जो आता है इसका पीक वैल्यू, बीच मिडिल में आता है क्या 2,000, मतलब इसका जो वैल्यू होता है 3,000 से 10,000 के बीच में करता है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को सारा इन्फॉर्मेशन लिखना है। ठीक है, जो क्वेश्चन का जो मीनिंग है, इतना सारे स्टेप को कंप्लीट करना है, कंप्लीट करने के बाद आपको फाइनली आंसर आ जाएगा। इस तरह से दिखाएंगे। इसका मेन जो क्वेश्चन है पूछा है, डिस्कस द इलेक्ट्रॉन स्पेक्ट्रा ऑफ टाइटेनियम हेक्सा एक्वा जो दिया हुआ है, इसका जो इस तरह का स्टेप स्टेप वन वन स्टेप्स को दिखाना है। तो चलिए प्लीज़ गाइज, आप लोग अच्छा से देखो, और अगर समझ में नहीं आएगा तो दोबारा कमेंट कीजिए कि हमको समझ में नहीं आया इस क्वेश्चन को, तो हम दोबारा कोशिश करेंगे समझाने के लिए। और प्लीज़ जो भी सब्सक्राइब नहीं किए इस चैनल को, आप लोग सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाएं, ताकि जो भी वीडियो हम नया अपलोड करेंगे, जो भी अपलोड करेंगे आप लोग नोटिफिकेशन मिल जाना चाहिए। तो इस तरह का जो भी है कि आप नया क्वेश्चन आप कमेंट कीजिए, हम उसको सॉल्व करेंगे इस पर वन वन एक्सप्लेन के साथ। थैंक यू फॉर यू, फिर नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे।